Hello students, today we are going to discuss a very important topic and that is res subjudis. Res subjudis जो है ये इसलिए जरूरी हो जाता है ताकि अलग अलग कोर्ट के सामने अगर एक सिमिलर सिचुएशन अगर सिमिलर डिस्प्यूट अगर रेज किया जाता है तो डाइवर्जेंस ऑफ ओपिनियन को हम अवॉइड कर सके. जैसे फॉर एग्जाम्पल कोर्ट के एक पर्टिकुलर किसी कोर्ट के सामने एक डिस्प्यूट ये है कि वेदर अ पर्टिकुलर प्रॉपर्टी इज द प्रॉपर्टी ऑफ अजय और नॉट. तो अजय की प्रॉपर्टी है या नहीं ये कोर्ट को डिसाइड करना है. अब किसी दूसरे कोर्ट के सामने भी डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ऐसा क्वेश्चन अराइज होता है. तो इसलिए जो बाद वाला कोर्ट है उसका उसकी जो प्रोसीडिंग है उसको स्टे किया जाता है. इसको कहते हैं हम रेस सब जुडिस दैट द मैटर इज ऑलरेडी पेंडिंग बिफोर एनी अदर कोर्ट. So, what it says is, no court shall proceed with the trial of any suit. अब what is actually forbidden is the trial. Trial को proceed, trial को आगे नहीं बढ़ाया जाएगा. Trial वहीं रोक दी जाएगी. So, no court shall proceed with the trial of any suit where the matter in issue was is actually also in issue in some other suit between the same parties or between the parties under whom they or any of them claim litigating under the same title and which must be the court. So, सबसे पहले ये कहता है कि no court shall proceed with the trial of any suit. कोई भी court suit की proceeding को आगे बढ़ाएगा नहीं, trial को आगे नहीं बढ़ाएगा. If the matter in issue is also directly and substantially in issue in some other suit, किसी दूसरे suit में भी वही point, वही dispute अगर raise किया गया है तो फिर बाद में बाद वाले सूट में इसको प्रोसीडिंग को आगे नहीं बढ़ाया जाएगा. दूसरी बात, द पार्टीज मस्ट बी सेम और इफ द पार्टीज आर नॉट सेम दे मस्ट बी क्लेमिंग अंडर देम. देयर मे बी सम केसेस कि बाप जो था वो सूट फाइल करके या व्हेन ही वाज एक्चुअली डिफेंडिंग अ सूट वो मर जाता है. सो वहाँ पर पार्टीज जो है लीगल रिप्रेजेंटेटिव रिकॉर्ड्स पे आ जाते हैं. तो पार्टीज हु आर क्लेमिंग अंडर देम एंड द टाइटल ऑफ द सूट मस्ट बी सेम. जो टाइटल होता है वो सेम होना चाहिए. अब लास्ट बात यह है कि कौन से कोर्ट में अगर प्रोसीडिंग ऑलरेडी इंस्टीट्यूट कर ली गई है तो फिर बाद वाले सूट में सूट जो है उसको प्रोसीड नहीं किया जाएगा. सबसे पहले तो अगर उसी कोर्ट के अंदर अगर सूट इंस्टीट्यूट किया गया था पहले वाला तो बाद वाला जो उसी कोर्ट में जो इंस्टीट्यूट किया गया है वो नहीं चलेगा. दूसरी बात, इंडिया के किसी दूसरे कोर्ट में विच कोर्ट इज एक्चुअली हैविंग द जुरिसडिक्शन टू ट्राई सच सूट्स. तो अगर ऐसा सूट इंस्टीट्यूट किया गया था पहले तो बाद वाला सूट कभी नहीं चलेगा. तीसरी बात, एनी कोर्ट विच इज सिचुएटेड बियॉन्ड द लिमिट्स ऑफ इंडिया बट विच इज एस्टेब्लिश्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट. जैसे फॉर एग्जांपल जम्मू कश्मीर का कोई कोर्ट है वहाँ पर भी सिमिलर इशू इज एक्चुअली अलाइव. सो वहाँ पर भी ऐसा इशू जो है दूसरे बाद वाले कोर्ट जो होगा वो डिसाइड नहीं करेगा. तीसरा चौथा कोर्ट ऐसे होते हैं जहाँ पर सुप्रीम कोर्ट में पहले से कोई एक मैटर पेंडिंग चल रहा है तो ऐसे केसेस में जो सब्सिक्वेंट सूट है वहाँ पर इस मैटर को चलाया नहीं जाएगा. ये कुछ कंडीशंस होती है सब जुडिस के लिए. दिस इज ऑल अबाउट सब जुडिस. थैंक यू.